दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमारे पास आ गए हैं जियोफोन के कुछ ब्लू बॉक्सेस और इसके पहले आपको पता होगा कि जियो ने रेड कलर के बॉक्सेस को किया था लॉन्च और इस बॉक्स में आपको क्या मिलता है नया आज आप इस वीडियो में वही जान सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इसके टॉप पे आपको फेसबुक यूट्यूब वगैरह के आइकन देखने को मिल रहे हैं। तो इस बॉक्स में आपको क्या नया मिलता है वही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और छोटा सा साथ में देखेंगे अनबॉक्सिंग। तो हाय गाइस, आप देख रहे हो HND न्यूज़ और मेरा नाम है नवनीत चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और जान लेते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे एक आपको इमेज और साथ में जियो की ब्रांडिंग। और अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइंड इन इंडिया फॉर इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और अगर मैं बॉटम पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलते हैं जियो मीडिया केबल के अनुसार आप कैसे अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जियोफोन की ब्रांडिंग जो कि लिखा हुआ है इंडिया का स्मार्टफोन और साथ ही साथ आपको मिल रहा है इसका मॉडल नंबर जो कि है F2403N। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके साथ में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जियो सर्विसेज में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ MyJio एप्लीकेशन, JioTV, JioCinema, JioMoney, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर जियोफोन के फीचर्स में जाता हूँ तो इसमें आपको HD वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, 4G इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, GPS, टैप एंड वे की फीचर्स और साथ में आपको मिलता है इसमें आपको जियोफोन के स्पेसिफिकेशंस में 2 मेगापिक्सल का बैकएंड कैमरा और VGA कैमरा और साथ में मिलते हैं आपको 2000 mAh की बैटरी और 512 MB की रैम और साथ में ये है आपको KaiOS पे बेस्ड जो कि आपको एंड्रॉयड जैसी फीलिंग देता है। और अब हम ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए इस बॉक्स को ओपन करना चाहेंगे और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिल जाते हैं। तो ये बॉक्स हम कर लेते हैं ओपन और आपको फ्रंट पे मिलता है जियोफोन जो कि बहुत ही स्लिम और ब्लैक कलर फिनिश पे आता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे हम लोग बाहर कर लेते हैं और ये आ गया हमारे हाथ में जियोफोन। अगर मैं ये देखूं यहाँ पे तो कुछ मुझे डिफरेंस लगता है। लाइक अगर मैं बात करूं रेड वाले बॉक्स से तो वहाँ पे कुछ बटन का यहाँ पे कुछ मुझे डिफरेंस लग रहा है जो कि मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे जूम करता हूँ, अगर ये फ्लैश होता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे फ्लैश करने की, तो ये ओके वहाँ फाइन ये हो गया है ऑटो फोकस। आप यहाँ देख सकते हो ये जितने भी बटन हैं ये बहुत उभरे हुए हैं। अगर मैं रेड बॉक्स से बात करूँ तो वो पूरे फ्लैट थे और बहुत ही स्मूथ थे, बट यहाँ पे कुछ उबड़ापन है। और अगर मैं ये बीच वाले बटन की बात करता हूँ तो इसमें चारों तरफ से ग्लोजी फिनिश था अगर मैं रेड बॉक्स वाले फ़ोन की बात करूँ तो, बट यहाँ पे आपको सिंपल बटन मिलता है विदाउट ग्लोजी फिनिश के। और फ्रंट से लुकिंग इसका बाकी बात सारा कुछ सेम है। एक चीज़ गौर करने वाली है दोस्तों, इस फ़ोन में आपको जो कैमरा मिलता है वो लेफ्ट साइड मिलता है और अगर रेड फ़ोन की बात करूँ तो उसमें आपको राइट साइड मिल जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट साइड का कैमरा बटन दिया गया है। और बैक एंड पे बात करूं तो यहां पे मिलती है आपको लाइफ की ब्रांडिंग और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में मिलते हैं आपको स्पीकर। तो ये हो गया ओवरब्रिक कंप्लीट। अब इसे हम रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे फीचर्स जो कि आप इस फ़ोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे दिया है एक चार्जर का आइकन और साथ में यहाँ पे बैटरी का आइकन। तो चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट में मिलता है मुझे एक चार्जर जो कि बहुत ही बेसिक सा चार्जर है विदाउट एनी USB केबल के, और सामने में मिलती है मुझे लाइफ की ब्रांडिंग। और अगर इसकी मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 0.2 एम्पियर का चार्जर जो कि ठीक ठाक ही आपको चार्ज करके दे देगा। और चलिए इससे आप सारे फीचर्स यहाँ देख ही सकते हैं। अब इसे हम लोग करते हैं साइड में रखते हैं और देखते हैं साथ में क्या मिलता है। तो यहाँ पे साथ में मुझे मिल रहा है ओके फाइन, ये है आपको बैटरी जो कि मिल जाती है आपको अप्रोक्स ये 2000 mAh की। तो कोशिश करूँगा मैं इसकी कितनी बैकअप्स वगैरह होती है तो इसके विषय में एक कम्प्लीट अदर वीडियो मैं बनाऊँ, तो आप अगर जानना चाहें तो उसके लिए ज़रूर कॉमेंट करके हमें बताइए। ये बैटरी भी आपको मिलती है लाइफ की ब्रांडिंग
और चलिए इस बॉक्स में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो फ़ोन को हम लोग कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल जाता है अंदर। फ़िलहाल मैं जैसा मुझे बता है तो आपको बता दूं कि आपको जो जियो का सिम कार्ड है वो इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स मिलता है। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मेरे इस फ़ोन पर अभी तक जियो का सिम मैंने एक्टिवेशन नहीं कराया है, तो ये आपको एक्टिवेशन नहीं मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको एक लुक दे देता हूँ। जैसा कि ये हो गया है हमारा ओपन, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है एक जियो का सिम, और साथ में मिलते हैं आपको एक स्लॉट जो कि है माइक्रो एसडी कार्ड के लिए। वहां पे आप अपना माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। और ये जो आपको जियो का सिम कार्ड है वो सिंगल सिम ही सपोर्ट करता है जियो का फोन, तो इसमें आपको जियो का सिम ही इस्तेमाल करना होगा। और साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक माइक्रो एसडी कार्ड जिससे आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे हम लोग करते हैं, अब इसे पावर ऑन लगा लेते हैं, अपना बैटरी फिक्स कर लेते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा बैटरी फिक्स, और बैक पैनल को कर लेते हैं लॉक अच्छे से तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक पैनल अच्छे से लॉक, तो ये फ़िलहाल अच्छे से हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब इसे हम लोग पावर ऑन करते हैं और बूट ऑफ करके देख लेते हैं ये कितना समय लेता है ऑन होने पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती है जियो की ब्रांडिंग, और साथ में नीचे मिलता है आपको पावर्ड बाय KaiOS का फीचर्स। तो अगर मैं बात करूँ रेड वाले फ़ोन से, तो उसमें आपको बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता था, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि बूट अप में ये कितना टाइम लेता है। अगर अभी तक मैं बात करूँ तो 5 से 7 सेकंड के बाद आपको एक एनिमेटेड स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको वापस से जियो की ब्रांडिंग आती है डिजिटल लाइफ लिख के। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ोन में थोड़ा सा सुधार किया गया होगा और इसे थोड़ा सा फास्ट बूटअप किया हो गया, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें सेम प्रोसेस है। तकरीबन 30 सेकंड से ऊपर हो गए हैं और अभी तक बूट नहीं हो पाया है। अभी तक स्टील विंडो पे है जियो के ब्रांडिंग के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं ये कितना समय लेता है आपको ब्रांड ओपन होने में, आपको भी फर्स्ट व्यू ऐसा ही मिलेगा। तो फिलहाल तब तक हम लोग देख लेते हैं फ़ोन के कुछ फीचर्स, लाइक अगर मैं बात करूँ इसके, अगर मैं बैक पे बात करता हूँ और फ्रंट पे बात करता हूँ, तो लाइक फ्रंट पे आपको मिलता है एक फ्लैशलाइट एलईडी जो कि आपको अच्छी खासी फ्लैशलाइट की वर्किंग कंडीशन काम करती है। और साथ में नीचे की अगर तरफ बात करूँ तो आपको मिलता है 3.5 mm का एक जैक और एक चार्जिंग केबल जहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये हो गया है हमारा फ़ोन अच्छे से बूटअप। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपना लैंग्वेज जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये सिलेक्ट होता है तो मुझे यहाँ पे मिलती है वाईफाई का ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इस वाईफाई के ऑप्शन को नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसे अपना कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कनेक्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जिसे आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। और फिलहाल इसमें मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट, तो इसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट होता है उसके बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है, उसे भी मैं फ़िलहाल यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये आ गया है हमारा फ़ोन का होम स्क्रीन, और यहाँ पे फ्रंट व्यू पे मिलता है मुझे एक बेसिक सा क्लॉक जो कि आपको टाइमिंग बता रहा है। ये फ़िलहाल मेरा सिम कार्ड अभी तक डीएक्टिवेटेड है, मीन्स कि अभी तक एक्टिवेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये सही टाइम नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके मेन्यू सेक्शंस पे क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे कॉल लॉग मिल रहा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ जियो के स्टोर हैं, मैसेज बॉक्स हैं, और भी बहुत तरह तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह अगर सर्च करने की, तो वो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि फ्रंट बॉक्स में शो किया गया था, बट ये इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा जियो के स्टोर में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको जियो स्टोर में जाने के बाद आपको सारे फीचर्स वहाँ से डाउनलोड करने होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो स्टोर का आपको आइकन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप जब जाएंगे तो आपको सारे फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, लाइक अगर मैं बात करूँ फेसबुक और यूट्यूब वगैरह की, और साथ में जियो के जितने भी प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको इस बॉक्स के कंटेंट में भी आपको देखने को मिला था। तो ये सारे जो ये आप बॉक्स के कंटेंट में देख पा रहे हो, ये सारा आप इससे इंस्टॉल कर सकते हैं जियो स्टोर पर जाके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैमरा का एक रिव्यू कि कैमरा इसका किस क्वालिटी का है और कैसे काम करता है। तो ये फ्रंट में मुझे कुछ अलाउ करने मांगा जा रहा है, तो उसे मैं अलाउ कर लेता हूँ सिंपली, और फिर ओके कर लेते हैं।
तो ये हमारा कैमरा हो गया है ओपन। अब हम इससे एक अच्छी सी पिक्चर क्वालिटी इससे क्लिक करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है। तो फिलहाल मैं इसका बॉक्स का फ्रंट व्यू लेना चाहूँगा, तो बॉक्स को हम लोग कर लेते हैं क्लोज और कोशिश करते हैं इस फ़ोन से एक अच्छी सी क्लिक करने की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये पिक्चर को क्लिक कर लिया है, ओके फाइन। और ये पिक्चर अब हम लोग प्रीव्यू करके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये पिक्चर की क्वालिटी किस प्रकार की आई है। तो 2 मेगापिक्सल में ये खासी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे बाहर, और बाहर जाने के बाद देख लेते हैं और क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ इसमें, ओके फाइन, ये फोकस कर लेता हूँ, ओके। अब जियो स्टोर से आप जितनी भी चाहें वीडियो कॉल वगैरह के फीचर्स आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तभी आपका वीडियो कॉल काम कर पाएगा इसमें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, वीडियो कॉल में यूज़ होता है जियो चैट एप्लीकेशन, जो आप उसी जियो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जहां तक मैं बात करूं, इसमें आप 1 टैप कॉलिंग भी कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है आपको। तो फिलहाल मैं जैसे कॉन्टैक्ट्स में जाकर के एक बार ट्राई करता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स में क्या क्या मुझे शो अप मिलता है। तो कॉन्टैक्ट्स वाले बटन पर गया और ये फाइन, ओके फाइन, इसमें अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया हुआ है तो वो शो नहीं कर रहा है। और चलिए एक बार हम लोग वॉइस असिस्टेंट ट्राई कर लेते हैं। तो ये प्रेस एंड होल्ड करना है आपको बीच वाला बटन, और ओके 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 फाइन। एक्चुअली मेरा अभी तक ये नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो एरर आ गया। तो आप इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इस फ़ोन की वेट की बात करूं, तो ये 100 से 150 ग्राम के आसपास आता है, और हाथ में ये बहुत ही कूल लुकिंग टाइप का आता है, और अच्छे से आप इसे कैरी भी कर सकते हो। ये जो इसका बैक फिनिश जो एक कर्व टाइप का है, जिसे आप आसानी से अपने हाथ में ग्रिप कर सकते हो, ये आपके हाथ से पिछलता नहीं है। तो ये उम्मीद मुझे लगता है कि ये फ़ोन आपकी उम्मीद पे खरा उतरेगा अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो। तो आप भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके पास ये फ़ोन अभी तक मिला है या नहीं मिला है, और अगर आपको मिला है तो वो कौन से कलर का मिला है, बॉक्स कौन सा है, और आपका मॉडल नंबर कौन सा है। तो आज का उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।